अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. हाँ भाई, कल किस किस ने 5 मिनट का चैलेंज को किया, 5 मिनट तक अच्छा और पॉजिटिव चलाया अपने अंदर, और कौन कौन कामयाब हुआ, कौन कौन नहीं हुआ, किसको बड़ी आसानी से 5 मिनट में अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचें आती चली गई, और किसको बड़ी मुश्किल हुई. लेकिन कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं होगा ये सोच के कि अरे ये क्या मुश्किल है, अच्छा सोचना 5 मिनट के लिए, वो भी ये तो हम कर ही लेंगे, तो किया ही नहीं होगा. या फिर ये सोचा होगा कि ये क्या ऐसे ही बस बोल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आती है बातें. लेकिन जिन लोगों ने किया होगा उन्होंने ये चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि अच्छा चलाना अपने अंदर, पॉजिटिव सोचों के साथ 5 मिनट भी बैठना बड़ा मुश्किल काम है, और इतनी आसानी से ये सोचें नहीं आती हैं. आपको बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है. जबकि नेगेटिव सोच हो, नेगेटिव थिंकिंग, या लो वाइब्रेशन थॉट्स हो, या वेस्ट थॉट्स हो, ऐसे आसानी से आती हैं. ऐसा लगता है कि हम लोग ऑटो प्ले मोड पर चले गए हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों से हमने अपनी सोचों पर ध्यान नहीं दिया होता है. तो आपका जो मन है ना, वो तो चलता ही है. अब कैसे चलेगा, वो अच्छा चलाएगा या बुरा चलाएगा, ये हमारे ऊपर है, वो रुकता तो है नहीं. अब क्योंकि हमारे पास ये पावर नहीं थी, हम लोग अवेयर नहीं थे, तो वो अपनी मर्ज़ी चलाता गया. और वो भी क्या अपनी मर्ज़ी चलाएगा, वो चलाता गया जिसके हाथ में उसका पावर होगा. तो हमारे अंदर जो हमारा नफ्स हमारा बैठा हुआ है ना, और जो शैतान है उसके हाथ में ये पावर है. तो आपका दुश्मन अच्छा चलाएगा आपके लिए या बुरा चलाएगा? ऑब्वियसली बुरा ही चलाएगा. तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग, और किसी ने हमारे साथ बुरा किया, धोखा दिया, झूठ बोला, उसके लिए बुरा सोचना हमारे लिए बड़ा नेचुरल हो गया. हम कहेंगे जाहिर सी बात है उसने ऐसा रवैया किया था तो हम तो बुरा सोचेंगे ना, ये तो नॉर्मल थिंकिंग है. तो हमारी वो ऑटो प्ले मोड जो है वो हमारे लिए नॉर्मल थिंकिंग हो गई. अब जैसे कि नेगेटिव सोचना आसान है, हमारे लिए पॉजिटिव सोचना भी आसान हो सकता है अगर अब से हम ये एफर्ट करें और अपनी सोच पे ध्यान दें. यही सारा मकसद है. तो अपना एक्सपीरियंस आज हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. फेसबुक पे भी लिख सकते हैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर आपने ये 5 मिनट का चैलेंज कल लिया था, और कॉल करके भी ज़रूर बताइएगा. आ जाते हैं हमारे आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं, कई मरतबा लाइवली वीकेंड्स में आ चुके हैं, एक ऐसे होटल में काम कर रहे हैं जो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त होटल है. PC होटल का नाम किसको नहीं पता है, हर कोई वहाँ जाता है, और आपको उस होटल में बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी क्यूजींस खाने को मिलती हैं. वहाँ के आप चाइनीज़ की बात कर लें, वहाँ कॉन्टिनेंटल खानों की बात कर लें, या फिर वहाँ पर पाकिस्तानी फूड की बात कर लें, या अगर किसी को वाकई स्टेक खाने का शौक़ है तो आप उससे पूछेंगे ना कि बेस्ट स्टेक कहाँ पर है, तो वो फौरन से बताएगा भाई PC में जेसन का है, उसका स्टेक अगर किसी ने नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया. आया आपकी मुलाकात करवाते हैं शेफ शेर मजीद खान से. अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं? शेफ को तो इतनी जल्दी थी कि वो तो शुरू से ही चूल्हे जला कर बैठे थे. अभी तशरीफ रखें, जरा दोस्ती वोस्ती करेंगे हम. कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए हैं आप. काफ़ी अरसे के बाद में है ना, काफ़ी 6 साल से PC होटल में आप हैं. हाँ, और अब तो मतलब पूरा हेड किचन को आप देख रहे हैं, और जेसन में भी आपने काफ़ी काम किया. आज तो सिर्फ स्टेक 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 से मैडम, आज बिल्कुल मैं स्टेक ही बनाऊंगा, और इसके बाद एक लैम चोस बनाएंगे हमारा. अच्छा, लैम चोस भी है, और 2-3 स्टेक है हमारा. शेफ आप बताइए, आपको स्टेक पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. इसी तरह ही बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी तरह मैं बनाता हूँ. रोज देंगे तो खा लेंगे हम? बिल्कुल, क्यों नहीं. मुझे पसंद है स्टेक, वैसे स्टेक मैं पसंद ही करता हूँ, और मुझे शौक भी है कि स्टेक मैं बनाऊँ और गेस्टों को खिलाऊँ. मेरे पास तो आपके कोई ख़ास टेक्निक है जो जेसन स्टेक में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ का स्टेक वाकई बड़ा मशहूर है, मतलब जिनको वाकई स्टेक लवर्स जो हैं वो बहुत तारीफ़ें करते हैं. बिल्कुल मैडम, हमारे पास जो जेसन स्टेक में जो ग्रिल लगा हुआ है, हाँ, उस ग्रिल के ऊपर हमारा स्टेक बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टेक बनते हैं. और गेस्ट हमारे पास जो भी आते हैं, कोई बाहर फॉरनर भी आते हैं, वो गेस्ट को पसंद करते हैं. कोई स्टेक मीडियम मांगते हैं, कोई मीडियम रेयर मांगते हैं, कोई वेल्डन स्टेक खाता है. हमारा जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये मीडियम वेल स्टेक ज़्यादा पसंद करते हैं. खून ना नज़र आए. हाँ, खून ना नज़र आए, जूसी रहे, जूसी रहे, सॉफ्ट रहे, और खून ना नज़र आए. वो तो और ट्रिकी हो जाता होगा बनाना. तो आज जो आप स्टेक बना रहे हैं मुख्तलिफ, इसके साथ कुछ सॉसेज वगैरह भी बनेंगी? जी जी बिल्कुल, अब मैं बना रहा हूँ टी बोन स्टेक है. अच्छा ठीक है, उसके साथ सॉस होगा. सही है, और
कोई चीज में बनाता हूँ लेकिन स्टेक मुझे फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। देसी खाने भी बनाते हैं? देसी खाने भी मैं बनाता हूँ। क्या चीज़ देसी में अच्छा बनाते हैं? कढ़ाई हो गया, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। तो एंजॉय ये करते हैं स्टेक बनाना। स्टेक चलें आपको एंजॉय करवाते हैं, आपसे स्टेक बनवाते हैं। अच्छा जी, हम मेरे ख्याल से तीन या चार किस्म के हैं स्टेक्स आज जो आप। तीन स्टेक्स है, एक लैम चॉप से। अच्छा ठीक है। और सबसे पहले हम लोग मीट है, ये स्टेक है, हम उसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, मीट। हाँ, ये टी बोन स्टेक है, ये टी बोन स्टेक। ठीक है। हाँ, और टी बोन होता है? टी बोन ये शॉर्ट लाइन का पार्ट है। ठीक है। ये है कि इसे ये एक फिलेट मिग्नॉन निकलता है और ये बीफ स्टेक। स्टेक खाना है अगर प्रॉपर स्टेक तो फिर बीफ का है। और जो लोग चिकन का स्टेक मांगते हैं तो आप हंसते होंगे ना? नहीं, चिकन का स्टेक भी हमारे पास अवेलेबल है, चिकन भी हम लोग बनाते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं होता ना चिकन स्टेक, तो चिकन फिले वगैरह हो जाता है। हाँ, चिकन स्टेक भी होता है लेकिन हमने उसको कर दिया। सबसे पहले हम उसमें ऑयल ले लेंगे, ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल में। ठीक है। और आप लोग जैसे रेस्टोरेंट में स्टेक्स वगैरह को मैरिनेट करके रखते हैं? हाँ, मैरिनेट करके रखते हैं हम लोग तकरीबन आधा घंटे। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा सा अच्छा होता है स्टेक का जो। अच्छा अच्छा, आधा घंटा मतलब अभी जैसे मैंने ऑर्डर दिया तो वो मैरिनेट हुआ हुआ होगा? हाँ, हम मैरिनेट करके पहले रखते हैं। आप आके आते हैं तो उस टाइम भी हम मैरिनेट करते हैं। अच्छा ठीक है। कोई स्टेक है उस टाइम मैरिनेट करके रखते हैं। सही। और इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर। ठीक है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैरिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना? नहीं, इतना वो खास है। और इसके बाद सॉल्ट। ठीक है। ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और दोनों तरफ? दोनों तरफ। ठीक है। ये क्या क्या चीज़ है? ये सॉस है। अच्छा, ये सॉस है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसको मस्टर्ड है, थोड़ा स्टेक को। ठीक है। कुछ तो है वो घर में भी अगर हम ऐसे बनाते हैं, या तो बीफ सुखड़ जाता है या वो इतना जूसी नहीं रहता या इतना रबड़ जैसा होता है। ये टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं। हाँ, इसका जो ग्रिल का जो टेम्परेचर हो, हम ज़्यादा देर उसको पका लेते हैं तो वो सख्त हो जाता है। तो इसको एल पी सॉस वाला डालना है इसमें। ये क्या है? एल पी सॉस है। एल पी सॉस, ठीक है। एल पी ना हो, एच पी हो तो एच पी भी डाल सकते हो। हाँ, बिल्कुल है वो भी। ठीक है। नमक, काली कुटी मिर्चें, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलपी सॉस और मस्टर्ड, मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड। ठीक। थोड़ा पैन को, ये हमारा जो है ग्रिल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएं। सही है। और ब्रेक भी आ रही है। ठीक है। थोड़ा इसको हल्की आंच में, ये हल्की आंच पे शुरू में रखेंगे। शुरू में रखेंगे। ठीक है। चलें जी, आप ब्रेक ले लीजिए, हम इसको डाल रहे हैं ना उसमें। ठीक है। हल्की आंच कर दिया, लेकिन पैन अच्छे से हॉट होना चाहिए, ग्रिल पैन, तो ही मज़ा आएगा। और फिर आप हल्का कर दें इसको, हम जब तक कुक करते हैं एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, बनाते। मेरी इनसे यही शिकायत है। खैर, एनीवेज, आ जाएं जी, पीसी होटल के जेसन स्टेक हाउस से आए हैं हमारे साथ, हमारे पास शेफ मजीद हैं, शेफ शेर मजीद खान है, एसएमके आपका शॉर्ट फॉर्म। अच्छा जी, स्टेक की सिंपल मैरिनेशन, टी बोन स्टेक आप बना रहे हैं? जी, टी बोन स्टेक मैं बना रहा हूं। और इस स्टेक का नाम क्या है? टी बोन स्टेक से? नहीं, मतलब कि जो आप मेन्यू में अगर होगा तो ये क्या, किस नाम से? मशरूम सॉस के साथ, हलेंडाई सॉस के साथ और साइड लंच में मशरूम होंगे। अच्छा ठीक है। सोते मशरूम और मैश पोटैटो के साथ हम लोग सर्व करेंगे। तो और ये स्टेक अभी बना रहे हैं इसका। ये देखिए, इसका थोड़ा सा आपको रेड रेड ब्लड भी नज़र आएगा, तो ये कुक हो रहा है अंदर से। और अभी तक आपने आँच मीडियम रखी हुई है। मीडियम। नमक, काली कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी एल पी सॉस या एच पी सॉस और मस्टर्ड। सिंपल मैरिनेशन।
सजेशन स्टेक हाउस में इसी तरह की सर्विंग होती है बड़े? जी बिल्कुल, इसी तरह अच्छा। सर्विंग होते हैं हमारे जिस स्टेक हाउस में, लोग बहुत बड़ा पसंद करते हैं स्टीम स्टेक को। अब तो प्राइस बढ़ गई होगी। हाँ, अभी प्राइस टैक्स वैक्स लगा है। बहुत माशाल्लाह से हमारा प्राइस 7-8 हज़ार का होगा। हाँ, 7,000 रुपये का है ये हमारा स्टेक। वैसे ही महंगा होता है जब आप लेने जाएंगे। अच्छा, इसके साथ आपने कहा है कि मशरूम सर्व। मशरूम इसके साथ हम लोग मशरूम सोते मशरूम। ठीक है शेफ, अंदाजे में ऐसे कितनी देर तक कुक करेंगे इसके? मीडियम मीडियम, इसको 3 मिनट एक साइड में, 3 मिनट दूसरी साइड में, 6 मिनट में स्टेक तैयार होता है। 6 मिनट 6 मिनट में स्टेक तैयार होता है। कच्चा नहीं रहता? नहीं, कच्चा नहीं रहता है। तो हम जब आलू गोश्त अपना सालन कुछ गोश्त का बनाते हैं उसको इतना क्यों पकाते हैं फिर? क्यों, वो तो गलता ही नहीं है वो? असल बात ये कि मैडम, वो जो हमारा जो पाकिस्तानी मीट थोड़ा हार्ड होता है। हमारा जो मीट वन फोर्टी ये हार्ड नहीं होता है। ये स्टेक को हम लोग मैरिनेशन करते हैं, जब ग्रिल में डालते फौरन तैयार होता है। फौरन इसके पाकिस्तानी मीट से हम अगर स्टेक बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा हार्ड होता है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड होता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह ये हमारा स्टेक अभी तैयार हो गया। सही है, बेशक ये इसी पर रखा है। और इसके बाद अच्छा, ये टिन वाले मशरूम है जी, ये है। ठीक है, होल मशरूम्स को आप काट रहे हैं। हॉलैंडे सॉस जी, हॉलैंडे सॉस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, सॉस बताएंगे ना? हाँ बिल्कुल। ये वाली है ना जो है? हाँ ये ये सॉस है, अभी हम आपको सिखाते हैं। कॉलर से मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। किरण, यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट टुडे। हाँ, यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट, बड़ी क्लासिक लुक लग रही है आपकी आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके शेफ जो बना रहे हैं ना, चीज बहुत अच्छी लग रही, लगता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसा वैसा स्टेक का शौक है आपको? हाँ जी, हाँ जी, स्टेक का मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं बहुत इंटरेस्ट से देख रही हूँ। आज स्टेक घर में बनाती हैं या बाहर जाकर ही खाते हैं? नहीं नहीं, बाहर जाके ज्यादा होता है, मुझे लगता है घर में वो वाला टेस्ट नहीं आता। किरण, हाँ नहीं आता, एक स्टेक वाहिद है जो बहुत कम लोग घर में बनाते हैं। बड़ा उसके प्रोफेशनल स्किल चाहिए होती है। हाँ, किरण, मैंने आपसे कहना था, अभी मैं सामने आपकी शेल्फ पे बुक देख रही थी, मेरी ना छोटी से एक बुक आपने मुझे गिफ्ट की थी, मतलब आज से मैं बात कर रही हूँ जी, कुछ समझ तो वो भी मुझे मिली नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, आपकी ये कम्प्लेन अभी नोट कर लेते हैं और आगे दे देते हैं। ठीक है, हाँ जी। और आज कोई गिफ्ट नहीं है? आज एनेक्स है, बिल्कुल है एनेक्स। अच्छा। हमारे पास डिलक्स ड्राई तो आयरन है। क्या क्वेश्चन है किरण, आज का क्या क्वेश्चन है? बस जो जितना प्यार दिखाएगा उसको मिल जाएगी। किसके साथ? आपके साथ प्यार दिखाएगा कि वैसे ही अपनी अपने अंदर अपने आप से जो प्यार दिखाएगा उसको मिल जाएगी? आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई ऑल क्वालिटीज, और आई ऑलवेज ट्राई टू ग्रूम माई सेल्फ। मैं हमेशा ही नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी मोमेंट आई ट्राई टू ग्रूम माई सेल्फ, एंड आई रियली वेरी गुड। अब अगर आयरन जीतनी है तो जब तक शो चल रहा है ये थॉट्स में रहे आप, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपने क्या किया अभी? अभी मशरूम मैंने काटा। हाँ। अभी इसको मशरूम को सोते करें। अच्छा, ये आपने बटर लिया? हाँ, बटर लिया और गार्लिक। ठीक और है, गार्लिक गार्लिक पेस्ट टाइप है, बिल्कुल फ्रेश चॉप वैसा नहीं, तो आप हमारे मलका फूड्स का गार्लिक भी इसलिए जिंजर गार्लिक नहीं, ओनली गार्लिक। और ये मशरूम को सौते किया। अब तो आँख बंद करके भी नींद में आप स्टेक बना लेते हो, इतनी प्रैक्टिस हो गई हो? प्रैक्टिस हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। वो इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट। बनाएंगे ना तो फिर अच्छा, ये मैश पोटैटोज और ये सॉस के साथ, सॉस के साथ मशरूम से ये सर्व करेंगे। कुछ स्टेक्स में आपको सोते वेजिटेबल्स मिलती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पीसी में और क्या क्या चल रहा है अभी आजकल? पीसी में हमारा बारबेक्यू फेस्टिवल चल रहा था चाइनीज रेस्टोरेंट में। अच्छा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमारा। हाँ बिल्कुल, पीसी होटल के वाउचर्स नहीं लिए हम लोगों के लिए? ज़रा देते ना, ईद भी आ रही है, ईद की छुट्टियों में ज़रा वो एंजॉय करते हैं।
हाँ छुट्टियाँ देते हैं हमको, एक की छुट्टियाँ में हाँ क्लासेस भी होती है वहाँ पे। ये हमारा मशरूम तैयार है, अब इसके साथ पासले डाल दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सॉस के लिए नहीं अभी मैश बनाएंगे, मैश मैश पोटैटो, मैश पोटैटो आलू पहले से आपने बॉईल थोड़ा सा आलू पे हम बॉईल किया पहले से, थोड़ा बटर। अच्छा आप लोग भी कुक करते हैं? हाँ बिल्कुल, कुक कर मैश पोटैटो कुक करके रखते हैं, जब इसके साथ जब ऑर्डर आता है उसी टाइम बना के हम लोग आगे सर्व करते हैं। नहीं मतलब कि जैसे कुछ लोग तो आलू बॉईल किया मैश किया और उसी में मिक्सिंग कर दी सर्व कर दिया ना, ऐसे कुक नहीं करते। नहीं नहीं कुक करके हम करेंगे, ठीक है। बटर क्रीम क्रीम भी डालेंगे? हाँ क्रीम भी बिल्कुल क्रीम भी डालते इसमें। बस ये जब प्लेटर सजाएंगे ना स्टेक का तो फिर आपका दिल जाएगा, फिर स्टेक याद आएगा आपको कि अरे काफ़ी टाइम से नहीं खाया हमने स्टेक। लाइट का है हाँ जी, कोई और कॉलर है? कोई बताएं तो हमें कल का एक्सपीरियंस, किसी ने किया नहीं किया या बस हल्का ले लिया ना मेरी बात को। हुमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण? अल्लाह का शुक्र बहुत मज़े में, बहुत खुश हूँ। हाँ आपको कैसा है? जो पूछना है कि अभी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं मुझे, ये थोड़ी सी आवाज़ इनकी ज़रा तेज़ करें, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं। अच्छा अच्छा, जो आपके शेफ आए हैं जो स्टेक बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये मैंने कहा जो स्टेक बना रहे हैं तो इन्होंने जो कुछ, हाँ स्टेक जो बना रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कल का शो देखा था आपने? चली गई वो, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम था जी। शेफ मक्खन, मक्खन थोड़ा सा क्रीम, हाँ? मिल्क, मिल्क भी जी, मिल्क की थोड़ा डालते हैं, और उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अच्छा हाँ, ये गार्लिक शार्लिक तो नहीं डालता ना? गार्लिक भी डालते हैं। अच्छा हाँ, आपने नहीं डाला? नहीं मैंने नहीं डाला, गार्लिक इसमें डालते हैं तो मज़े का फ्लेवर होता है। शेफ आपको आलू पसंद? आलू मेरा बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। जो पोटैटो लवर्स होते हैं उनको पोटैटो किसी भी फॉर्म में अच्छा लगता है, बेक्ड हो, कोई बेक पसंद करते हैं, कोई मैश्ड हो, फ्राइड हो, सालन में हो, सब्जी में हो। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जब तक हम इसकी वो करते हैं प्लेटिंग करते हैं। सॉस अभी इसकी रहती है, वो हम इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। स्टे विद अस। प्लेट में निकाल दिया, इसकी सॉस रहती है, ये ज़रा आप सर्विंग देख लें। मशरूम्स हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाए, बटर में बनाया, प्लस हमने मैश्ड पोटैटोज़ में क्रीम, दूध, बटर में थोड़ा सा सौते किया और नमक, काली मिर्च आपने डाली है, और स्टेक को हमने ले आउट किया। अब सॉस बताइएगा, जो हॉलैंड सॉस है, सबसे पहले एग योक लेंगे, एग योक, एग योक ठीक है, और ये एक अंडे का योक, एक अंडे का, वो दो अंडे का सही रहता है मेरा। अच्छा, दो अंडे का ठीक है, अगर थोड़ी ज़्यादा बनानी, हाँ थोड़ा ज़्यादा बनानी हो तो दो अंडे का योग लें, और इसको थोड़ा सा, अच्छा ये पैन में आपने पानी रखा, इसको थोड़ा वार्म में थोड़ा करेंगे ताकि, हाँ ठीक है, इसके बाद उसमें पूरी तरह से हीट नहीं देनी, हल्का हल्की से हीट देनी, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पेपर, और इसके बाद मेल्टेड बटर डालना है, ठीक है, बटर भी गर्म हो, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्का हल्का सा गर्म, मेल्टेड थोड़ा सा, अच्छा उसकी स्टीम में, स्टीम स्टीम में हल्की से कुक हो जाए हम, बिल्कुल ठीक है, और विस्क करते रहे, विस्क करते रहे, थोड़ा सा बटर डालते रहे, थोड़ा विस्क करते रहे, अच्छा वो थोड़ा सा फ्लफी भी बन जाए, फ्लफी बन जाती है बिल्कुल। ये सॉस है मज़े, और बहुत मज़े की सॉस होती है। बनी बनाई भी मेरे ख्याल से मिलती है? बनी बनाई तो लेकिन मिलता है, लेकिन इतना वो नहीं, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। इसमें थोड़ा लेमन जूस भी डालते हैं, और हेल्दी भी है, हेल्दी भी है बिल्कुल, कच्ची योग है ना, हल्की सी कुक हो रही है, कुक हो रही है, मज़े
बच्चों को पता है ना कैसे अंडा देते हैं, हाँ हाँ कच्चा आधा हाफ डन वाला अंडा, नमक काली मिर्च बटर डालते हैं और लेमन किस उस पे डालेंगे आप? लेमन जूस थोड़ा सा अच्छा उसमें डाल लेंगे, दो में आपको हाँ लेमन जूस थोड़ा सा इस स्टेक को, ये पूरा मीट आप खा जाते हैं? हाँ बिल्कुल उफ़ अल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा आप तो इसमें एंड पे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करनी है एक। तो बकरा ईद आ रही है तो फिर स्टेक ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ये सॉस तैयार हो गया ठीक है और ये सही है जी कुक हो गया तो कुक बहुत आसान तरीके से आपने इसको बताया। अच्छा और भरते नहीं है स्टेक को कभी भी है ना? नहीं नहीं सॉस इतना ज्यादा वो नहीं करते हाँ। कोई एक साइड में सॉस डालते हैं क्योंकि कोई पसंद लोग पसंद करे कोई यार। ये हमारा स्टेक बिल्कुल रेडी है तैयार हो गया, हमारा टी बोन स्टेक steak with mushroom and mashed potatoes and hollandaise sauce. Hollandaise sauce के साथ है। इसको हम यहाँ रखते हैं। अच्छा next क्या बना रहे हैं? Next है beef rib by. हाँ? Beef rib by. Beef rib by. By. हाँ. By. हाँ beef rib eye. Rib eye. ठीक है. Beef rib eye. ठीक है. अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको marinate करना है मैडम सबसे पहले। अच्छा ठीक है। मीट आप निकाल लें। निकाल। Fridge से। Caller हैं जब तक ठीक है जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद कमर वाकेंड से। अच्छा अच्छा जी काफी टाइम के बाद आपकी कॉल मिली है। मिस किरण बहुत दफा कॉल करता हूँ नहीं हाँ। मिलती थ्रू ही नहीं होती कॉल तो सही है क्या कहेंगे सर आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज तो स्टेक देख के मजा ही आ गया। मजा आ रहा है आप भी स्टेक लवर होंगे? यस यस नो डाउट। हाँ लेकिन हमारी घरेलू खवातीन जो है ना कहेंगे स्टेक तो हमें नहीं पसंद बट वो तरीके जो एक शेफ जिस तरह बनाता है ना उससे जरूर इंस्पायर हो रही होंगी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे स्टेक ये शेफ से बात करना चाहेंगे? पीसी होटल के शेफ हैं जेसन स्टेक आप गए हैं? ये कराची से आए हैं शेफ? बिल्कुल कराची पीसी से। कराची आए नहीं आप? आया हुआ मैम। अच्छा अच्छा और पीसी में स्टे किया हुआ है? हाँ बहुत कम आवाज़ आ रही है लेकिन जब भी कराची आए पीसी होटल जरूर जाएं अगर बाकी आपने अच्छा स्टेक खाना है। मैंने बहुत इंजॉय किया हुआ है यहाँ पे हमारा फंक्शन था कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है 7 days का स्टे था हमारा यहाँ पे। वेरी गुड भाई। मैम किरण कब बुला रही हैं आप? आप क्या बनाएंगे ये बताएं? मैम देख पकानी है मटन की मैंने। कौन सी मटन की? क्या मटन की? देग। मटन की देख बनानी है? यस। देख लेकर आएंगे? मिल जाएगी कराची से मैम। अच्छा देख बनी बनाई ले आइएगा उसकी तरकीब सामने छोटे पैन में बना लेंगे देख ही बनाने का मजा आएगा मैम किरण वो चलो ठीक है फिर हम मूविंग कैमरा रखेंगे शोल्डर पे ताकि वो देख को फोकस कर सके सही है हम आपको लाइनअप करते हैं आप अपनी रेसिपीज शेयर करें हमसे ईमेल करें ठीक है थैंक यू। अच्छा ये है रिब आई स्टेक्स। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे मैडम ठीक है और ये बीफ का पीस अलग होता है जी बीफ अलग पीस होता है। अच्छा इसकी मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल है दोनों साइड में ऑलिव ऑयल लगाते हैं ठीक है वही मैरिनेशन होगी तकरीबन वही सेम है बीफ का और इसमें सबसे पहले ब्लैक पेपर ठीक है कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सॉल्ट और मस्टर्ड पेस्ट ठीक है और फिर साइड चेंज करके साइड चेंज किया तो एलपी सॉस ठीक है सेम मैरिनेशन तो फिर इसको चेंज आप लोग ऐसे कोई मैरिनेशन को वो भी नहीं करते ना नहीं उसको खुद ब खुद प्लेयर होते हैं ना खुद वो ज्यादा क्योंकि मीट बहुत नरम मीट है और ये अच्छा उसके साथ है चर्बी वाली चर्बी के साथ है रिब बाई का ज्यादा आधा हिस्सा मतलब चर्बी होती है और आधा हिस्सा जो हमारे मीट होते हैं फिर दोनों साइड इसको वो प्लेट पे गोश्त वाले के पास जाएं हम बोलेंगे
ऐसा हमें रिब आई स्टेक दे, वो रिब का पार्ट है मैडम। तो इसी तरह ये फिर आप लोग घर आके मतलब होटल आके कुछ उसको फ्लैट भी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसको कटिंग करके रहे, वो फ्लैट करने से जूस खत्म हो जाता है मैडम। अच्छा सही। इसके बाद इसको पैन में डालेंगे, पैन में थोड़ा हीट हो। और इसको सर्व करेंगे आप वेजिटेबल्स वेजिटेबल के साथ और सॉस सॉस का पेपर सॉस हो पेपर सॉस पेपर सॉस ब्लैक पेपर सॉस ब्लैक पेपर स्टेक तो बड़ा मशहूर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम सलाम किरण, कैसी हो? आपको पता ही है मैं बहुत खुश, बहुत हेल्दी। मैं भी बहुत खुश। वेरी गुड। एडवांस में ईद मुबारक। एडवांस में ईद मुबारक आपको भी। एडवांस ईद मुबारक। हाँ मुझे बताओ, कल का शो देखा था कल? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया था। नहीं किया था अपने आप से? जी बिल्कुल अमल किया है। बिल्कुल किया। 5 मिनट का? जी जी। क्या हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ अच्छा फील। 5 मिनट कर लिए? कल मैंने कॉल की थी इसी वजह से, मैंने आपसे यही करना था आज कि मैं करूँगी जरूर। अच्छा, कल मेरी कॉल कट गई थी। अच्छा मुझे बताओ, आसान था 5 मिनट तक बैठकर बहुत अच्छा अच्छा सोचना, कुछ भी बुरा ना आए जहन में? बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल भी होता है। हाँ किया था, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। किरण आपकी आपकी बातों को तो बहुत फॉलो करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छी बातें अपने लिए अच्छा करो। बातें करती हूँ मैं जरूर फॉलो करती हूँ। लास्ट सैटरडे मैंने आपसे एक चीज मांगी थी, आपने मुझे वो भी नहीं दी। क्या? मैंने बोला था मुझे फैसलाबाद की वाउचर 65 की बुक चाहिए। नहीं दी थी? अब वाउचर 65 ही खत्म हो गया, अभी फिर आएगा, फिर दे दूंगी। ठीक है। हाँ जब मैं मांगू तब खत्म हो गया। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी फिर कॉल मिल जाएगी। हाँ हाँ देखो, कल 5 मिनट अच्छा सोचा, अभी फिर बुरा नहीं सोचो। नहीं नहीं सोचूंगी। हाँ बोलो, मुझे मिल जाएगी। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं आपके शो की तरह। बातें तब अच्छी होंगी जब आप लोग उस पर अमल करें। जरूर अमल जरूर करती हूँ। फायदा तब होगा, उसको अपनाएंगे तब, तब आप अपनी बातें कह सकेंगे उनको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा शेफ, मजा आ रहा है आपको? बहुत बहुत बहुत। आपको तो वैसे ही आता है ना स्टेक बनाने में मजा, शो का तो कमाल है। बहुत मजा आता है मैडम यहाँ पे। आज मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों से मिलके भी, और स्टेक बनाने को मौका मिल गया, बहुत अच्छा लगा। शेफ मजीद यहाँ आए और हम उनसे सब्जी और दाल बनवाएं तो भी मजा आएगा आपको। दाल और सब्जी आपसे बनवाएं हम यहाँ पे तो ऐसे ही एंजॉय करेंगे या बस? हम नहीं वैसा, लेकिन इतना ये जैसे स्टेक बनाने को मुझे खुशी होती है, इनका दाल उसमें नहीं। आपको पता नहीं है आपके जैसन स्टेक का राज है क्या, कि लोगों को इसका पसंद क्यों है? असल बात उसका व्यू, मीट तो अपनी जगह है ही अच्छा, रेसिपी तो अपनी जगह है ही अच्छा, लेकिन जब बनाने वाला जो शेफ है वो ऐसे मिजाज से बनाएगा तो उसकी वाइब्रेशन तो खाने में आनी है ना, है ना शेफ? आप इतने हंसमुख तरीके से बना रहे हैं, हल्का हल्का होकर अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं ना, मीट अच्छा बनेगा, ऐसे खाना भी अच्छा बनेगा अगर आप अपने खाने को अच्छे से बनाएंगे, अच्छी वाइब्रेशन देंगे। समझे आप? जी मैम। दाल आप अच्छी नहीं बनाएंगे? दाल अच्छी नहीं बनाएंगे, है ना? सब्जी भी अच्छी नहीं बनाएंगे ये? नहीं, इसका जो साथ जो वेजिटेबल है वो मैं वो अच्छी बनाऊंगा। नहीं नहीं, देसी सब्जी, देसी सब्जी नहीं, तब क्योंकि ये मुस्कुराहट नहीं होगी ना, अंदर चल रहा होगा ये क्या मुझे तो पसंद ही नहीं बनाना। अभी स्टेक हमारा रेडी हो गया मैम। ठीक है, स्टेक हम सही है साइड में रखेंगे। अभी वेजिटेबल ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आके फिर वेजिटेबल सौते करके इसकी भी जो पेपर सॉस है वो हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइव वीकेंड। हमने सौते कर लिया ब्रेक में ही वेजिटेबल्स को सिंपल, उसी तरह से बटर आपने लिया, गार्लिक लिया,
नमक, काली मछली, काली मछली है ना, और ये सब्जियां आप देख लें, ब्रोकली, स्टेक अगर सर्व करें तो इसी तरह से लवाजमात मस्त हैं, तो ही मज़ा आएगा। और ये बिल्कुल गल गया है, इसको मेरे ख्याल से 6-7 ही मिनट आपने इसको कुक किया। छः मिनट ये रिब आए, बीफ रिब आए का पोर्शन है, और इसको आपने ऐसे आलूओं के छोटे पीस करके बॉयल करके, वेजिटेबल्स ऑलरेडी ब्लांच्ड थी, थोड़ा सा सौते किया एंड सर्व किया। अब इसकी सॉस है पेपर स्टिक, पेपर सॉस बिल्कुल। अच्छा, ये है बटर, बटर लिया थोड़ा सा, और इस पर थोड़ा सा गार्लिक। अच्छा ठीक है, बाय द वे वो हॉलैंड सॉस ना बहुत मज़े की बने, बहुत मज़े की, मैंने थोड़ी सी ऐसे टेस्ट किया है वो एग योक के साथ, और बटर डालते डालते नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन, सिर्फ ये चीज़ें जी, जी और कुछ नहीं, और स्टीम के ऊपर ही आप उसको विस्क करते गए और बन गई। थोड़ा सा बटर एंड गार्लिक, थोड़ा सा इसमें पेपर को भी, ब्लैक पेपर। आप लोग किसी भी काली मिर्च वैसे कम ही यूज़ करते हैं ना, कुटी हुई मिर्च बिल्कुल हम यूज़ करते हैं, मेरे मिस्टेक में कम स्टेकों में जितने पेपर सो लोग खाते हैं, पेपर ज़्यादा तो वहाँ पसंद करते हैं, पेपर स्टेक में हमेशा कुटी हुई ही काली मिर्च, कूटी हुई थोड़ा सा कुक करके, बस थोड़ा सा स्टॉक लेना है, खुशबू आएगी, खुशबू, बस इसको खुशबू आएगी, फिर बस थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें स्टॉक इस्तेमाल होगा, ये बीफ स्टॉक है जी, बीफ स्टॉक से डेमी ग्लेज पाउडर मिलता है, उसको आपने पानी में थोड़ा सा गर्म पानी में घोला, ये देख लें ठीक है, और ये बीफ स्टॉक तैयार हो जी, ये बीफ स्टॉक है, इसका अभी पेपर सॉस को उसमें मिलाएंगे तो पेपर सॉस हमारा तैयार है, डिमिल्ट, कितना आसान है ये। अब ये आप सॉसेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं ना, खूब चिकन फिले लेके अच्छे से मैरिनेट करके बनाएं, और ये बहुत मज़े की सॉस बनती है, ठीक है, और पानी डाल देंगे, और पानी डाल, ज़्यादा आपको थिक लगेगी, थिक लगेगी तो। अच्छा शेफ, ये तो डेमी ग्लेस पाउडर है जो मिलता है बाज़ार में, जिससे हम इजीली इंस्टेंट बना लेते हैं सॉस, एक बीफ स्टॉक का क्यूब भी आता है, क्यूब भी मिलता हम है, उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो फ्लेवर आएगा जी, यही फ्लेवर आएगा, नहीं ये तो हम लोग तो खुद बनाते हैं डेमी, वो हमारा खुद डेमी ग्लास खुद बनाते हैं, हाँ, और बोन लेते हैं उसको, पहले रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद फिर ओनियन उसको भी ओवन में रोस्ट करके, उसका एक अलग प्रोसीजर है कि आप उसकी बीफ स्टॉक बनाते कैसे हैं। ये पेपर सॉस हमारा तैयार है, सही है, इसको सर्व करेंगे, ये देखें बीफ ऐसे गला है कि वो खुल भी गया, उससे पता चल रहा है कि काफ़ी गला हुआ है। मैं यहाँ पर खा रही थी ना, आपने हटा दी मेरी प्लेट, ज़्यादातर लोग ये इसकी डिमांड करते हैं, डिमांड कर रिब बाय, अभी पेपर सॉस के साथ रिब बाय ज़्यादातर लोग को डिमांड करते हैं, सही है, ये डन है, डन हो गया, ओके, ओके, लाइए जी, चले जी, बीफ रिब आई स्टेक तैयार हो गया है ना, टेम्पटिंग, कितने टेम्पटिंग प्लेटर्स लग रहे हैं ये सारे। हाँ जी शेफ, अब नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं? अभी नेक्स्ट हम लैम चॉप्स, लैम चॉप्स, उसकी उसकी कोई सॉस वॉस, लैम चॉप्स फ्रिज में है, लैम चॉप्स फ्रिज में है, निकाल ले, मैं ले आती हूँ चीज़ें, ये सारी हैं उसकी, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, यहीं रख देती हूँ आपके लिए, ब्रेक ले लें, ठीक है चल, ठीक है हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जो हमारी अगली रेसिपी है उसकी इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर रखते हैं आप लोगों के लिए, और इंतज़ार कीजिए, बहुत मज़ेदार सी लैम चॉप्स बनने वाली हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज शेफ़ मजीद हमारे साथ हैं, पीसी होटल के जेसन स्टेक हाउस से आए हैं, दो किस्म के स्टेक्स आपको सिखाए, अब आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं। लैम चॉप्स हैं, और ये बहुत सिंपल तरीका होगा आई एम श्योर, और बहुत मज़ेदार होगा। अच्छा, लैम चॉप्स को आपने सिंपल मैरिनेशन जैसे स्टेक की हमने की थी, नमक, काली कुटी मिर्चें
ओलिव ऑयल और एलपी सॉस और गार्लिक मस्टर्ड डाला था सुनो मस्टर्ड नहीं डाला मैंने इसमें जो मस्टर्ड सिर्फ मस्टर्ड नहीं डाला रोजमेरी डाली रोजमेरी डालना है रोजमेरी हर्ब तो रोजमेरी ठीक है सिंपल और इसको भी ग्रिल करेंगे ग्रिल करेंगे इसका भी कुकिंग टाइम कितना 5-6 मिनट इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम 7 मिनट होगा थोड़ा सा इसको ये लोकल मीट है हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है थोड़ा सा देर में गलता है चॉप्ड का मीट और इसके साथ सर्व करेंगे ये स्पिनच सौते करके स्पिनच को आपने पहले से ब्लांच करके ब्लांच करके रखा है अभी इसको सौते करना है स्पिनच को सौते स्पिनच फ्राई लाइन बटर लिया और थोड़ा सा गार्लिक अच्छा इसके साथ भी सॉस बनाएंगे जी इसके साथ मिंट सॉस अच्छा अच्छे ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे बटर लिया इसके बाद थोड़ा गार्लिक डाल के सौते करने के बाद थोड़ा स्पिनिच डालना है इसमें ठीक है ये सब गर्म पानी में डाल गर्म पानी में कहा इसको चॉप कर लिया तो मजे का होगा ना ये ये क्या है शेफ मिंट है मिंट हमारा जो मिंट हो गया मिंट ग्रेंड क्या हुआ मिंट है अच्छा ये कैसे बनाया आपने इसको ग्रेंड कर गया मैडम इसको वो विनेगर काइंड ऑफ ग्रेंड करके रखते हैं ये पुदीने को ग्राइंड किया जी ग्राइंड करके और विनेगर के अंदर रखते ताकि सिरके के अंदर जी तो ग्राइंड सिरके में ही किया आपने हाँ बिल्कुल थोड़ा सिरका डाल दिया फिर इसको ग्राइंड करके रख दिया ताकि इसका कलर एक जैसा रहे हाँ तो कलर हरा तो नहीं है ना इसका ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है लेकिन हरा भी हम लोग जब फ्रेश कटिंग करके डालते थोड़ा हरा भी हो जाता है क्या चीज़ है सिरका और मिंट के लीव्स को आपने अच्छे से ग्राइंड करके इसको रखा हुआ ओहो चॉप्स पे क्या अच्छे से वो ग्रिल इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा कुटी हुई मिर्च ठीक है सिर्फ पालक के साथ सर्व पालक है और इसके बाद वजीज पोटैटो है अच्छा ठीक है पोटैटो वजीज कटिंग होगा इसको थोड़ा फ्राई करें सही मैं आपको इसके लिए फ्लैटर ये इनमें से कौन सा फ्लैटर दूँ ये दे ये सही है चॉप्स के लिए अच्छा दूसरी तरफ आलू को भी बॉईल किया भाई अब आलू को थोड़ा हल्का सा बॉईल किया और डीप फ्राई कर रहे हैं वेजेस को कलर अच्छे से ब्राउन सा आ जाए थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए शेफ़ ने स्पीड पकड़ी है ना शेफ़ ने कहा अभी बच्चों ख़त्म होने वाला है जल्दी से अभी एक रेसिपी हमारी और रहती है ओ नाइस अच्छा भाई जेसन स्टेक अगर आपने जाना है आप ऐसे ही नहीं जा सकते वॉक इन बहुत कम होता है अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है वहाँ पर और उसके टाइमिंग्स वगैरह क्या है जेसन स्टेक के जेसन स्टेक के 7:30 बजे से 11:30 बजे तक है अच्छा हमारा जो टाइमिंग है जेसन स्टेक हाउस का 7:30 बजे ओपन होता है और इसके बाद 11:30 बजे क्लोज होता है ठीक है और बुकिंग आसानी से मिल जाती है अगर जिस दिन जाना उसी दिन कराएं या पहले से कराएं एक दो दिन पहले के तो अच्छा होगा क्योंकि हम अच्छा सर्व करेंगे इसके बिजी चलते हैं हाँ क्योंकि वर्किंग गेस्ट वो होते हैं कि हम लोग बहुत कम उसको वो करते हैं ज़्यादातर हमारा बुकिंग होता है जगह नहीं मिलते वहाँ पर और इस वजह से बुकिंग करना ज़रूरी होता है अक्सर लोग आते होंगे हाँ बिल्कुल हमारे बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं स्टेक हाउस में और जब नहीं मिलता होगा कहते होंगे अच्छा चलो हम चाइनीज़ चले जाते हैं हम पाकिस्तानी चले जाते हैं वहाँ रेस्टोरेंट में किसी में और नहीं तो मार्को पोलो में बैठ मार्को पोलो में जाते हैं कोई उसके बाद या चांदनी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं हाँ भाई इसको भी अब हम सर्व कर देंगे अच्छा इसकी एक सॉस बननी है जी एक सॉस बननी है मिंट सॉस वो भी हम सीख लेते हैं अब मिंट सॉस भी बता दें ऐसे में ताकि इसी ब्रेक में हम ये कंप्लीट कर लेंगे बहुत ज़बरदस्त स्टेक और सॉसेस बहुत अच्छी बनाई है एंड वेरी इजी आप बीफ नहीं लेते हैं आप चिकन में भी बना सकते हैं ये सारी चीज़ें इसी तरह से
हाँ वो तो ऑब्वियसली चिकन वाले स्टेक को स्टेक नहीं कहते, चिकन फिले ही बोलेंगे उसको, बट हमारे यहाँ ये चलता है. इंटरनेशनली कहीं बाहर जाकर अगर आप कहेंगे ना ये स्टेक में डू यू हैव चिकन स्टेक, तो वो भी वो जो कोई भी वेटर या वेट्रेस होगी वो हैरान हो जाएगी क्या कह रहे हैं. अच्छा शेफ सॉस, सॉस अभी सॉस के मिंट सॉस, मिंट सॉस ये सीख लेते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा ये. हाँ लाइन फ्रेश मिंट लीव्स ये ले लें, ये चुरी है थोड़ा सा मिंट. हाँ ऐसे रफली थोड़ा सा विनीगर, ठीक है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल नहीं विनीगर, विनीगर विनीगर हाँ एप्पल विनीगर है, हाँ ये विनीगर है एप्पल विनीगर. कौन सा विनेगर है? एप्पल विनेगर. अच्छा एप्पल साइडर विनेगर है ये, ठीक है थोड़ा सा इसको. अच्छा वो ऑयल की उधर चली गई ना, मैंने कहीं तो हमने दूसरी रेसिपी में डाली है तो थोड़ा सा शुगर, ठीक है एप्पल साइडर विनेगर थोड़ी सी शुगर, ठीक है इसके बाद थोड़ा सा और ये फ्रेश मिंट, फ्रेश मिंट ठीक है. बस थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा डालते हैं मिंट सॉस, ये क्या मिंट सॉस है ये. अच्छा जो आपने सिरका और मिंट लीव्स को पेस्ट बनाया था इसमें सिरका कौन सा यूज़ किया? ये भी विनेगर है. अच्छा इसमें भी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया. ये दोनों एक ही चीज़ है? नो ये जो है एक चीज नहीं है. ये क्या है? ये भी मिंट है लेकिन क्या है क्या? ये भी मिंट सॉस है लेकिन ये भी है हमारा वो, ये भी है क्योंकि हम ज़्यादा इसको वो यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं. तो इसमें वो जेलेटिन वगैरह जी उसमें जो है थोड़ा सा वो करते हैं वो थोड़ा थिक बनाते हैं. अच्छा ये ना भी डालें भी छोड़ें आप इसमें नहीं पड़ें, आप उसी तरह से मिंट सॉस बनाएं पेस्ट के साथ. और ये देखें शक्ल बन गई ज़बरदस्त. ऑलिव ऑयल में बनाया है थोड़ा गार्लिक डाल के, फ्रेश मिंट, ऑलिव ऑयल नहीं सॉरी सिरका, एप्पल विनेगर, थोड़ा सॉल्ट एंड थोड़ा रोजमेरी. अच्छा सॉल्ट एंड रोजमेरी तैयार हो गई जी मिंट सॉस. अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी लास्ट रेसिपी हम आपको सिखाएंगे, इसकी प्लेटिंग हम कर देते हैं. मिंट सॉस जो हमने लैम्ब चॉप्स के साथ सर्व किया है वो बहुत मज़ेदार है. सिंपल इन्होंने एप्पल साइडर विनेगर लिया, थोड़ी सी शुगर डाली, मिंट लीव्स कट करके डाले और थोड़ा सा लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा लेमन मिंट लीव्स का जो पेस्ट बनाया था सिरके के साथ वो आपने डाला और नमक काली मिर्च, बहुत मज़ेदार है. अच्छा जी अब आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी पे जो स्टेक आप बना रहे हैं मशरूम सॉस के साथ. मशरूम कौन सा था? फिले मिन्योन. फिले मिन्योन मिन्योन सेंटर का जो पीस है मिन्योन कहलाते हैं इसको. सही है. स्टेक का जो ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल वही मैरिनेशन, वही मैरिनेशन है मैडम बीफ स्टेक का. बीफ स्टेक का सही, थोड़ा सा एलपी सॉस. अच्छा ये एचपी है? एलपी सॉस. एलपी सॉस, नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड जी, मस्टर्ड, ठीक है. सबका बेस एक है, सिर्फ ये कि सॉसेस मुख्तलिफ है, अलग फ्लेवर दिया गया और सर्विंग साइड लाइनर्स जो हैं वो थोड़े से ऑलिव ऑयल में इसको सौते करेंगे और ये मशरूम सॉस के साथ, मशरूम सॉस के साथ. ये आज की टेबल को बाकी देखकर लग रहा है कि बकरा ईद आ रही है. बीफ 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 हो गया आज तो भाई. वेरी गुड. इसको भी कितना टाइम? इसको भी मैडम तकरीबन सात मिनट लगता है इसको भी. सेम वही स्टेक वाला टाइम. अब ये इम्पोर्टेड बीफ है बाय द वे इनका, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अच्छा अब इसके साथ इसके सॉस बनाएंगे, ठीक है, साथ मशरूम सॉस. सही है, क्रीमी मशरूम सॉस है ये. सबसे पहले इसका सबसे पहले हम बटर दे देंगे थोड़ा. ठीक है
ये बटर आप लोग अपना बनाते हैं होटल में या क्या है? नहीं नहीं बाहर से हम लोग करते हैं अभी। खुशबू ही कुछ अलग है, आप तो कहीं ऑर्डर वॉर्डर लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वही गार्लिक, हाँ गार्लिक और है थोड़ा सा काली मिर्च, मशरूम डाला, क्रीम डाला। ठीक है, कॉलर है कोई? आज एनिक्स की आयरन हम दे रहे हैं जिसने अच्छा अच्छा चलाया। हाँ जी, 5 मिनट का चैलेंज का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हमें कॉल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये क्या चीज है? ये ऑयल है, ये स्वीट मिर्च, स्वीट पोटैटो है, स्टेक के साथ सर्व करते हैं। हाँ स्टेक के सर्व को सर्व करते हैं। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये भी बाहर का होगा? स्वीट पोटैटो नहीं, वेजिटेबल है हमारा। ऐसा तो नहीं होता, शकरकंदी ऐसे ही होती है जिसके। अच्छा जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस जी, बिल्किस बात कर रही हूँ। बहुत सलाम, कैसे हैं किरण? मैं आपको पता बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। हाँ हाँ, आज का पकवान भी बहुत अच्छा। हाँ डिफरेंट जी। हाँ बहुत टाइम बाद आपसे बात हुई, 1 साल हो गया। अरे ओहो, हाँ पिछले साल मैंने किया था। ओहो वेरी गुड, सूट बड़ा अच्छा है आपका माशाल्लाह। अरे वाह, थैंक यू। सेफ भी बहुत अच्छे, हमारी पसंदीदा डिश है। शेफ भी ना जी? हाँ जबरदस्त सॉसेज बनाए, जो है मेरी बेटी की पसंदीदा है। अरे वाह, फिर आप ये बनाए घर पे जरूर। हाँ मेरी बेटी असल में है नहीं ना, आएगी तो इंशाल्लाह रात में दिखाइएगा शो 9 बजे। जरूर जरूर। सही है। अच्छा जी, आप अच्छा चलाती हैं अपने अंदर जी? आप अपने अंदर अच्छा, आपने 5 मिनट का चैलेंज करेंगी आप? कर लूंगी, बस 5 मिनट अच्छा अच्छा सोचना है। हाँ अच्छा तो सोच ही रही होती हूँ हर वक्त मैं किरण। वेरी नाइस, सोचना भी अच्छा ही चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। कभी भी बुरा नहीं सोचती, कभी नहीं सोचे, कभी नहीं सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा पहने, अच्छा खाए। और खुश रहे। सही है, आपका है ये, आपका बता रही हूँ। यकीन है ना, अच्छा ही सोचती होंगी आप। अच्छा ही सोचना भी अच्छा चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ, अल्लाह सब अच्छा रखे सबके लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कामयाब है। ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक चले, सही है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मशरूम सोतने के बाद हाँ। क्रीम ऐड करना है मैम। ठीक है, कोई स्टॉक वॉक नहीं डाला ना? नहीं नहीं स्टॉक नहीं, क्रीम ही सो गए। सही है, बटर में मशरूम, गार्लिक, नमक, काली मिर्च, मिल्क, मिल्क एंड क्रीम डाल दी। तो ये क्रीमी मशरूम सॉस तैयार। ठीक है, हो गया ना ये भी? ये भी बस, अभी इसको तेज देंगे साल्ट एंड थोड़ा पेपर। हाँ ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर हम डाल देंगे और इसके साथ जो स्वीट पोटैटो। अच्छा स्वीट पोटैटो भी इसी में जी इसको। ओ ये देख लें जी, स्वीट पोटैटो कच्ची स्वीट पोटैटो है और इसको आपने वो उस तरह से स्लाइसर जो होता है ना उसी से ही पतले पतले स्ट्रिप्स काट के स्लाइस और उसको डीप फ्राई कर रहे हैं आप। वेरी नाइस, और ये इसके साथ सर्व किया जाएगा। ठीक है जी, आप ब्रेक ले सकते हैं अब, तकरीबन हमारा हो गया है ना शेफ जी? मैम प्लेटिंग ऐसे जब ठीक है ले। रॉयल टेबल सजाई है, मैं तो यही देख रही थी कि ये सबसे एक्सपेंसिव मील आज आपने बनाई है लाइवली वीकेंड्स में, और हम हिसाब लगा रहे थे कि ये जो टेबल पे खाना है ये कितने हज़ार का अभी आपने एस्टिमेट लगाया था? 50,000 रुपये। 50,000 का खाना है, आप कह रहे हैं रेट क्या बकवास कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं 7-8 हज़ार तक की हैं पर प्लेट, आप हिसाब लगाएं सारी चीज़ें। बाय द वे ये जो आपने शकरकंदी को पीलर के साथ ही जो पील किया, जैसे छिलके को पील करते हैं, उन्होंने पूरी शकरकंदी को उस तरह से पील करके डीप फ्राई किया है ना, ये जो चिप्स बने हैं ओहो हो अमेजिंग चिप्स, ज़बरदस्त। और उसको सर्व किया आपने वेजिटेबल्स कोई भी हूँ, आपने जुकीनी और ब्रोकली के साथ सौते करके वाइट मशरूम सॉस नज़र आ रही है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि नज़र आए, एंड वंडरफुल, ज़बरदस्त। बकरीद की आमद आमद है पता चला शेफ, थैंक यू सो मच। आपको मज़ा आया? खूब बहुत मज़ा आया, मैं
मेरे साथ मजा आया आपको बहुत ज्यादा एंजॉय किया आपने एंजॉय किया आज बहुत मजा आया दिल से एंजॉय किया इनकी मुस्कुराहट बता रही है फिर आएंगे इंशाल्लाह या हम आपके पास आएंगे आप आ जाओ हमारे पास कोई मतलब हम लोग को बुलाएंगे हम मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह दोबारा यहाँ बनाएंगे स्टेक या कोई दूसरा कोई रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह जबरदस्त नहीं तो ये थे जेसन स्टेक हाउस के स्टेक्स जो आज हमें शेफ ने बनाना सिखाए पीसी होटल का ये मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर जितने भी स्टेक लवर्स हैं वो यहाँ ज़रूर जाते हैं एंड नो डाउट तमाम सॉसेज बहुत मज़ेदार आपने बनाई डिफरेंट वेरिएशन के साथ आलू को कैसे सर्व करना है एक में आपने गोल काट कर सौते किया एक में मैश्ड पोटैटोज एक में फ्राइड और एक में आपने स्वीट पोटैटो के साथ तो कमाल कर दिया ये तो बहुत मज़ेदार है आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आया होगा हमारा आज का शो कुछ थोड़ा सा हटके था हम ज़्यादातर देसी रेसिपीज़ पे फोकस करते हैं लेकिन कभी कभार बीच में इस तरह की चीज़ें भी याद रहनी चाहिए ताकि हम घरों में थोड़ा सा और चेंज लेकर आ सकें तो रात में हमारा शो रिपीट होगा 9 बजे ज़रूर देख लीजिएगा और आज का कोई विनर नहीं है कोई बात नहीं नेक्स्ट सैटरडे को हम 2 NX के गिफ्ट दे देंगे शेफ़ थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया और हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा ही सोचना है अगले हफ्ते फिर कुछ अच्छी बातों के साथ मैं हाज़िर होंगी कुछ शेयर करेंगे और कुछ चैलेंज लेंगे खुदा हाफ़िज़ हर घर में जब सब होते हैं साथ